नमस्कार दोस्तों, नॉलेज अप चैनल में आप सभी का स्वागत है। लेट्स लर्न टुगेदर। आज के वीडियो में हम लोग बाथरूम में इपॉक्सी ग्राउटिंग कैसे करते हैं, टॉयलेट में इपॉक्सी ग्राउटिंग कैसे करते हैं वो देखने वाले हैं। ये आप टॉयलेट का टाइल्स देख सकते हैं, इसको ग्राइंडर व्हील से कट कर रहे हैं। जितने भी जॉइंट्स हैं वो लगभग 2-3 mm ग्राइंडर व्हील से कट करते हैं और पूरे जॉइंट्स ओपन करते हैं। यह रॉफ केमिकल T13 है, ये पीडी लाइट इंडस्ट्रीज का केमिकल है। इससे ये इपॉक्सी ग्राउटिंग हम कर रहे हैं। टाइल्स के जितने भी जॉइंट के थ्रू अगर लीकेज रहेगा या फिर कुछ प्रॉब्लम रहेगा तो ये ग्राउटिंग करने के बाद में वो प्रॉब्लम सॉल्व हो जाता है। ये देखिए, ये पाउडर है रॉफ का T13 और ये बेस और हार्डनर है, ये तीनों का मिक्स करके करते हैं। ये पाउडर, बेस और हार्डनर, या फिर रेजिन और हार्डनर बोल सकते हैं। ये जॉइंट्स कट करने के बाद में ये पूरी तरह से कपड़ा से साफ करते हैं। ये अभी मिक्स कर रहे हैं, ये देखिए वो पूरा पाउडर, उसके बाद में ये बेस या फिर रेजिन और हार्डनर, ये 2:1 उसका प्रोपोर्शन है। ये टाइल जॉइंट या फिर टाइल एडिटिव की तरह इसका इस्तेमाल करते हैं। टाइल्स के जितने भी हॉरिजॉन्टल जॉइंट या फिर वर्टिकल जॉइंट दोनों में ये अप्लाई कर सकते हैं। टाइल्स के जॉइंट में अगर लीकेज रहेगा तो फिर ये लीकेज ये इपॉक्सी लगाने के बाद में दूर हो जाता है या फिर बंद हो जाता है। ये प्रोडक्ट पीडी लाइट इंडस्ट्रीज का है। पीडी लाइट एक स्टैंडर्ड कंपनी है, वाटरप्रूफिंग कंपनी। डॉक्टर फिक्सिट भी पीडी लाइट का ही है। रॉफ T13 ये प्रोडक्ट का नाम है। ये अच्छा से मिक्स करने के बाद में इसको जॉइंट पे अप्लाई करते हैं। ये प्रॉपरली मिक्स होना बहुत ही ज़रूरी है। ये देखिए, अब ये जॉइंट्स पे अप्लाई कर रहे हैं। ये इपॉक्सी ग्राउट टाइल्स के जॉइंट में एज अ बॉन्डिंग एजेंट काम करता है, उसका स्ट्रॉन्ग बॉन्डिंग हो जाता है। ये देखिए, पूरे हॉरिजॉन्टल जॉइंट्स पूरा लगा रहे हैं। ये पूरा जॉइंट्स भरने के बाद में ये वाइट सीमेंट से उस पर थोड़ा स्प्रेड कर रहे हैं। फिर वाइट सीमेंट स्प्रेड करने के बाद में एक कपड़ा से उसको अच्छी तरह से पोंछ दिया जाता है।
ये देखिए ये पूरा अच्छे से पोंछ रहे हैं। ये देखिए यहाँ वर्टिकल लाइन को भी, वर्टिकल जो जॉइंट्स है लगभग बॉटम से 1 फीट ऊपर तक, उसको भी ये अप्लाई कर रहे हैं। जनरली हॉरिजॉन्टल जॉइंट और वर्टिकल जॉइंट, इसका जो जंक्शन है और वहाँ से 1 फीट ऊपर वहाँ तक ये अप्लाई करते हैं, ताकि अगर उसमें जॉइंट में अगर लीकेज वगैरह हो तो वो भी बंद हो सके। और ये जॉइंट भरने के बाद में पूरा पूरा व्हाइट सीमेंट स्प्रेड करते हैं, उसके बाद में ये प्रॉपरली क्लीन करते हैं। ये देखिए प्रॉपरली अभी क्लीन किया हुआ है। इसके बाद में ये थोड़ा सा एसिड वॉश, मतलब एसिड डाल करके उसको जो जो जॉइंट्स में जो स्टिकीनेस रहता है उसको निकालते हैं। ये देखिए एसिड से वो क्लीन कर रहे हैं, वो जॉइंट में जो थोड़ा लेयर आता है स्टिकीनेस रहता है वो एसिड वॉश करके या फिर ये कपड़ा से एसिड डाल के उसको साफ करते हैं। ये देखिए अभी ऐसे साफ कर रहे हैं, और ये पूरा साफ़ होने के बाद में लगभग 5 से 6 घंटा इस बाथरूम को यूज़ नहीं, टॉयलेट को यूज़ नहीं करना है, फिर नेक्स्ट डे आप इसको यूज़ कर सकते हैं। तो दोस्तों ये रहा हमारा आज का वीडियो। आज का वीडियो आपको कैसा लगा आप ज़रूर कमेंट कीजिए। अगर पहली बार आप मेरा चैनल देख रहे हो तो मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए और साइड का बेल आइकॉन प्रेस कीजिए, ताकि मेरे आने वाले सारे वीडियोज़ का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। धन्यवाद।